आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ जो कि काफी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप उसको पूरी वीडियो को सुनना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है वो कहानी? चलो शुरू करते। वो कहानी गांव की एक ऐसी लड़की की है जिसका नाम चमेली था। पहले चमेली पता नहीं क्यों और किसने नाम रखा। अब ये तो आप सोच सकती हैं क्यों। चमेली का जन्म उत्तर प्रदेश की पीलीभीत जिले में हुआ था। पीलीभीत एक जिला भी है लेकिन एक शहर नहीं है, एक गांव है। वहां की पब्लिक बहुत ही ज्यादा अनपढ़ है क्योंकि राज्य हमारे उत्तर प्रदेश है। बचपन से ही चमेली कुछ पढ़ना लिखना चाहती थी लेकिन घर वालों ने चमेली को नहीं पढ़ाया, जिससे रुष्ट होकर चमेली मुंबई आ गई। चमेली के पिता का नाम बदायूं और माता का नाम बरेली था और भाई का नाम बाराबंकी था। तो अब आप सोचिए जब इनका ये ऐसा नाम है तो मैंने अपना नाम पीला तो मैं भी अपना नाम पीलीभीत रखने की सोच रही थी। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपना नाम अपनी माँ से कहा कि जो तुम रखना चाहो रख दो। लेकिन चंपा ने अपनी मायके में कभी काम नहीं किया तो सोचिए मायके में काम नहीं किया तो चंपा अपने ससुराल में जा गई। तुम सोच सकते हो ना मैं क्या कहना चाह रही। चंपा मुंबई आ गई और चंपा यहाँ पर बीटेस की नौकरी करने लगी। बीटेस की नौकरी करते समय उसकी मुलाकात एक चंपा नाम के युवक से हो गई। वो भी वहाँ बीटेस की नौकरी करता था और मेरा भी नाम चंपा और उसका भी नाम चंपा। तो सोच लो हम दोनों का नाम चंपा। धीरे धीरे हम दोनों को प्यार हो गया। मैं उसकी गर्लफ्रेंड बनी और वो मेरे बॉयफ्रेंड बन गया। धीरे धीरे फोन पे बात शुरू होने लगी। फिर हमने दोनों ने कोर्ट फिर हमारी शादी हो गई। शादी के बाद हम काफी खुश रहने लगे। शादी के 4 साल बाद ही मेरी सास चमेली का देहांत हार्ट अटैक से हो गया। सोचिए हार्ट अटैक से हो गया क्योंकि मुझ पर खाना बनाना नहीं आता था। इसलिए इसको चमेली का देहांत हो गया तो मैं अब बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे सारे घर का राज मिल गया है। अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अब मैं फ्री हूँ। वो मैं अब चंपा क्या करेगी और क्या नहीं करेगी। अब चंपा की कहानी कड़मड़ी दे रही है। तो बताइए चंपा की कहानी आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक शेयर